Hello, bachcho, let's see the question. A spray gun is shown in the figure where a piston pushes air out of nozzle. A thin tube of uniform cross section is connected to the nozzle. The other end of the tube is in a small liquid container. As the piston pushes air through the nozzle, the liquid from the container rises into the nozzle and is sprayed out. From the sprayer gun shown, the radii of the piston and the nozzle are 20 mm and 1 mm respectively. The upper end of the container is open to the atmosphere. If the density of air is rho A and that of liquid is rho L, then for a given piston speed, the rate volume per unit time at which the liquid is sprayed will be proportional to. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस पॉइंट पर अगर हम प्रेशर P नॉट कंसिडर करते हैं, क्योंकि ये P नॉट होगा क्योंकि ये कंटेनर ओपन है जहाँ पे लिक्विड फिल है और यहीं से लिक्विड ये उठाएगा. स्पीड जीरो है लिक्विड का. तो इस पॉइंट पर बर्नौली इक्वेशंस अगर मैं अप्लाई करता हूँ तो ये हो जाएगा हाफ. स्पीड तो जीरो है तो सीधा मैं यहाँ पे लिख दूंगा इट इज पी नॉट. इट इज पी नॉट एंड इज इक्वल्स टू, जब इस पॉइंट पर आ जाएगा लिक्विड का स्पीड, सपोज करते हैं कि वी एल है, सो ये हो जाएगा हाफ रो वी एल स्क्वायर प्लस, और प्रेशर यहाँ का पी टू है. इस पॉइंट पर प्रेशर जो है वो पी टू है. तो एयर के केस में भी सेम होगा, जब एयर नीचे से ऊपर जाएगा तो नीचे तो प्रेशर पी नॉट है, स्पीड ऑलमोस्ट जीरो है, और एयर के केस में हो जाएगा वी ए स्क्वायर प्लस पी टू. तो ये ऊपर तो लिक्विड का डेंसिटी आएगा, नीचे एयर का डेंसिटी आएगा. इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू को हम इक्वेट कर सकते हैं क्योंकि दोनों तरफ पी नॉट है. तो ये हो जाएगा हाफ रो एल वी एल स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू हाफ रो ए वी ए स्क्वायर. अब देखना था यहाँ पर लिक्विड के केस में, तो लिक्विड के केस में देखेंगे तो ये होगा हमारा रूट अवर रो ए अपॉन रो एल इन टू वी वी ए. ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो इस हमारा लिक्विड ये जो प्रोपोर्शनल होगा वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, बिकॉज स्पीड की ही बात कर रहे हैं हम, एरिया तो कांस्टेंट रहेगा, तो Q जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वो वी एल के प्रोपोर्शनल होगा क्योंकि एरिया कांस्टेंट है. और उस अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा इट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा. थैंक यू.